हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि वीडियो पूरा देखें, ताकि जो मैं बता रहा हूँ वो आप सही तरीके से समझ सको। आधा वीडियो देख के जाओगे ना तो कुछ पता भी नहीं लगेगा और कभी हेल्प भी नहीं होगी इस कंटेंट से आपकी जो मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, मैं आपको बताऊँगा गीज़र के कनेक्शन कैसे करते हैं, अगर आपके घर में ख़राब हो गया है तो उसको कैसे रिपेयर करना है ये भी बताऊंगा। क्योंकि जब आप सर्किट डायग्राम देख लोगे ना तो उसके बाद आप इसको खुद ही रिपेयर कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने प्लग टॉप बनाया, उसके बाद एक ऑटो कट लगा होता है गीज़र के अंदर, सेंसर होते हैं ये, और एक लगा होता है थर्मोस्टेट। ठीक है गाइस, ये सीरीज़ में जुड़ते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ शायद कोई बताएगा, तो आपने इस चीज़ को नोट कर लेना अपने पास। आपके अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो ना तो आपके काम बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, ऑटो कट स्विच और थर्मोस्टेट और रॉड, ये तीनों सीरीज़ में आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको पूरा सर्किट डायग्राम जब तक बना रहा हूँ, जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तो कमेंट करना। ठीक है गाइस, तो आपको मैं बता रहा था गीज़र, घर के गीज़र की रिपेयर भी आप इससे खुद कर सकते हो। अगर कोई आपने गीज़र खोल दिया है, उसका कोई पार्ट आपसे खुल गया है, आपको नहीं पता लग रहा है साफ करते हुए कि ये जोड़ना कैसे, तो आप इस वीडियो में इसका सर्किट डायग्राम देखो, आप इसे रिपेयर भी कर सकते हो पूरा खुद। ठीक है गाइस, अगर आपने रिपेयर नहीं करना है वैसे अपनी नॉलेज के लिए भी आप इसे सीख सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सा सर्किट डायग्राम बना के दिखाया है, और आपको समझाने की कोशिश मैंने अपनी देसी बोले बिल्कुल प्योर हिंदी, जैसे हम आपस में कैजुअली बात करते हैं उस भाषा में सिखाया है। ठीक है जी, तो आपने इस वीडियो को देखना है पूरा और लाइक शेयर कमेंट करना है दबा के। ठीक है जी, तो ये मेरा सर्किट डायग्राम था जो पूरा हो चुका है। ठीक है गाइस, तो अब मैं इसके नाम, इस पे फेस न्यूट्रल, कहाँ पे फेस कनेक्ट है, कहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट है, सब चीज़ें मेंशन कर दूंगा, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसके नाम क्या है, वो सब मेंशन करूंगा। वो आपको तब पता लगेंगे अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये देख सकते हो, ये है सर्किट डायग्राम। ठीक है गाइस, थैंक यू।